लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त हो चला है एक सीधी बातचीत का, तो अगर आप भी मुझसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेल फोन से LUV एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। दिल क्या करे, मैंने उनको बोला कि यस ऐसी ऐसी बात है, देन उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसका कोई रिप्लाई नहीं करना। और फिर उनके जब भी मैं उनको फोन देखती हूँ तो सडनली रोना हो जाता है। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि आप किसी लड़के को एक तरफा पसंद करती हैं? आपने उस इंसान को जाकर के अपने दिल की बात को कहा, हाँ, लेकिन वो इंसान मना कर देता है या मना कर दिया उसने? मना ही नहीं किया। हाँ। मैंने उनको अपनी फीलिंग्स डायरी के थ्रू बताई, उन्होंने वो डायरी पढ़ी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं इसका कोई रिप्लाई नहीं, मैं अगर आप हानि करना है तो ना तो कर ही सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं इसका कोई रिप्लाई नहीं होगा। अब मैं उनको जब देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। आप जानती हैं उस लड़के को? नहीं, वो मुझसे एज में बड़े हैं तो उनका डिस्टेंस एक मेंटेन रहता है। देखिए इस तरीके से ना इनडायरेक्ट तरीके कभी काम आते नहीं है। तरीका ये होता है कि एक इंसान को जान समझ कर प्यार होता है। वो इंसान जिस तरीके की बातें आपके लिए करता है या आपको लेकर करता है, या कभी कभार उसकी जो सोच होती है दुनिया को लेकर, आसपास की चीजों को लेकर, मोहब्बत उससे हो जाती है। उस इंसान ने तो कोई ऐसा रीजन दिया ही नहीं। और खैर बात यहाँ ये भी नहीं है, बात यहाँ ये है कि आप दोनों तो अच्छे दोस्त भी नहीं है, उस जोन में ही नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि इस लड़के को आप जानती कैसे हैं, ये कहाँ पर हैं, क्या करते हैं? ये मेरे प्रोफेसर हैं। ये आपके प्रोफेसर हैं? तो फिर तो मुझे लगता है डियर कि उनका जवाब आपको थोड़ा रिस्पेक्ट से मान लेना चाहिए। कितना एज डिफरेंस होगा आपके और इनके बीच? 10 ईयर्स। और क्या लगता है परिवार वगैरह है उनका? हाँ जी हाँ। फिर यहाँ पर रुक जाना चाहिए। देखिए क्या है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि उम्र में बहुत ज्यादा फासला है, लेकिन जो उनका ओहदा है ना आपकी जिंदगी में, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए अब क्या है, वो दोस्ती वाले जोन में तो आपके साथ आ नहीं सकते है ना। ऑल टुगेदर उनका जो तजुर्बा है, जिंदगी को देखने का नजरिया है, रिश्तों को देखने का नजरिया है, आपसे बहुत अलग है। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट जरूरी है यहाँ पर। और अगर उन्होंने आपको ये मना कर दिया है कि वो इस चीज का कोई जवाब नहीं देंगे, बेहतर होगा कि रुक जाइए, हम उम्र में कहीं दिल लगाइए, आसपास कुछ देखिए और लोगों से बातचीत करना शुरू करिए, थोड़ा अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, आपको जिंदगी में एक बेहतर नजरिया मिलेगा, ट्रस्ट करिए। Stay strong. Thank you. All the best. Thank you so much for talking to me. Bye. Good night. Good night. Radio City Love Guru.